हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। कल का जो मैंने लाइव स्ट्रीम किया था उसमें ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस थे कमेंट बॉक्स में जो जो भी थे और लाइव जिन्होंने पूछे थे उन सभी का मैंने रिप्लाई कर दिया था। अगर फिर भी किसी का बचा हुआ क्वेश्चन तो वीडियो के कमेंट में कर देना या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके आप पर्सनली पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं स्टाफ नर्स की, लैब टेक्नीशियन की, फायरमैन की। स्टाफ नर्स की जो सैलरी है वो लगभग 50,000 प्लस है और लैब टेक्नीशियन की 30,000 की समथिंग है। तो पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और इसका जो किस गवर्नमेंट के थ्रू निकाले गए वैकेंसी। तो जैसा कि आप देख सकते हो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है उसके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। 54 बेड वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसमें ये वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसमें कि आपकी अभी नर्स बी ग्रुप, लैब टेक्नीशियन ए ग्रुप और फायरमैन ए के लिए पद निकाले गए हैं। तो लैब सबसे पहले नर्स की बात करते हैं, स्टाफ नर्स की, तो इसमें वैकेंसी हैं दो, एक जनरल वैकेंसी है और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10+2 आपका होना चाहिए और साथ में आपने कम से कम 3 साल का नर्सिंग में कोई डिप्लोमा या डिग्री कर रखी हो, कम से कम 3 साल की। यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन कर दिया कि जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे बात करते हैं, पूरा सब कुछ बताऊंगा लैब टेक्नीशियन की। तो लैब टेक्नीशियन की 3 पोस्ट है और तीनों जनरल में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, यानी कि सभी जनरल हैं, सभी के लिए ओपन है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 10+2 होना चाहिए, साथ में आपने कोई मेडिकल डिप्लोमा कर रखा हो कम से कम 2 साल का, उससे अगर ज़्यादा का है तो भी आप, जैसे आपने डिग्री कर रखी है एमएलटी की तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपका स्टेट मेडिकल काउंसिल या सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तीसरी बात करते हैं फायरमैन की। तो फायरमैन की टोटल 7 वैकेंसी हैं जिसमें कि आपकी 2 एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और 5 सभी के लिए हैं, सॉरी 4 सभी के लिए हैं, 2 ओबीसी और 1 एससी में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 होना चाहिए और साथ में फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स भी इन्होंने रखे हैं जिसमें कि हाइट 165 सेंटीमीटर प्लस वेट 50 kg होना चाहिए, साथ में कुछ और क्राइटेरिया इन्होंने रखे गए हैं। अब इन्होंने सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, उनके लिए 7th लेवल का ग्रेड पे होगा जिसमें 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी आपकी रहेगी। लगभग 52,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी और 18 से 35 साल इसमें एज रखी गई है। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो आपकी लगभग 29,835 के आसपास सैलरी रहने वाली है और ये जो एज है वो 27 मार्च जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस तक आपकी 35 साल तक होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। फायरमैन की 23,000 सैलरी रहने वाली है, 18 से 25 साल इसमें एज रखी गई है। सभी के लिए जो फॉर्म है वो 100 रुपये का है। अप्लाई कैसे करना है वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा। 100 रुपये फीस है और फॉर्म, इसमें आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, फोटो लगेगा आपका, सिग्नेचर लगेंगे, 10+2 का मार्कशीट लगेगा पीडीएफ फॉर्म में, आपने जो डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है उसका रजिस्ट्रेशन लगेगा, साथ ही उसमें मार्कशीट भी लगेगी। और जिस कैटेगरी में यानी जिस पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंड मांगे हैं वो उसमें वो भी लगेगा, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट लगेगा और जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप इनमें से कोई चीज़ अपलोड नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।